आज जो जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के लोग समाज जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सारे पर अधिकारी लोग जब मूर्ति पर माल्यार्पण सम्मान करना चाहते हैं तो उस पर अगर दमन चक्र चला रहे हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। और वही जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उससे परिवर्तन भी हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश जी दीवाल फंद कर गए थे, तो किस तरीके की आप राजनीति देख रहे हैं कि किस ओछी राजनीति है, क्या है? तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से अगर इस तानाशाही रास्ते पर और इस तरीके का अगर पूर्वजों के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से हटाना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।